अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू लेक्चर 20 ऑफ मार्केटिंग रिसर्च। और 19th लेक्चर से हम सैम्पलिंग टेक्निक्स के बारे में पढ़ रहे थे, ये उसका सेकंड पार्ट है। यहाँ पर आप एक और सीक्वेंस भी ऑब्जर्व कर सकते हैं सैम्पलिंग फ्रेम का। आप देखें जो पॉपुलेशन है ऑल यूनिट्स ऑफ इंटरेस्ट, और इसमें से वो यूनिट्स जिनको हम सैम्पल नहीं कर सकते या नहीं कर सके वो इसमें से निकल जाएंगे, तो बाकी सैम्पलिंग फ्रेम रह जाएगा यूनिट्स डेट कैन बी सैम्पल्ड। और उसमें से जिन लोगों को हमने अपने सैम्पल में सेलेक्ट नहीं किया वो बाहर निकल गए, बाकी जो है वो हमारा ग्रॉस सैम्पल है, यूनिट्स डेट आर सैम्पल्ड। और इस ग्रॉस सैम्पल में जिन लोगों ने हमें इंफॉर्मेशन या डेटा प्रोवाइड किया वो इंफॉर्मेशन यूजफुल भी हो सकती है और यूजफुल नहीं भी हो सकती। तो जो यूजफुल नहीं थे उनको अगर हम निकाल दें तो बाकी जो सैम्पल है इसे हम नेट सैम्पल कहते हैं। तो ये सीक्वेंस हमें बता रही है कि किस तरह से हम एक पॉपुलेशन से एक ग्रॉस सैम्पल या नेट सैम्पल तक पहुंचते हैं। सैम्पलिंग फ्रेम की कई तरह की एग्जांपल्स हो सकती हैं, जैसे एक टेलीफोन डायरेक्टरी है या एक इंडस्ट्री की जो डायरेक्टरी है जिसमें कई तरह की कंपनीज हैं वो लिस्टेड हैं, या कस्टमर की कोई डेटाबेस है, या ऐसी मेलिंग लिस्ट जो कि मुख्तलिफ कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशंस सेल करती हैं। आपको याद होगा कि जब हमने सिंडिकेटेड सोर्सेज ऑफ डेटा पढ़े थे उसमें हमने देखा था कि ऐसी कंपनीज हैं जो इन्फॉर्मेशन या डेटा जो है वो सेल करती हैं, तो इस तरह की इन्फॉर्मेशन भी हमें वहाँ से मिल सकती है। अब जो एग्ज़ाम्पल मैंने आपको बताई कि एक माइक्रो ओवन कंपनी है और वो लाहौर में रहने वाली खवातीन जो कुकिंग करती हैं और उनकी एज 20 ईयर से ज़्यादा है और जिनकी हाउस होल्ड इनकम 50,000 से ज़्यादा है, तो ये डेटा आइडियली तो बड़ा अच्छा है, बड़ा स्पेसिफिक है, लेकिन प्रैक्टिकली ऐसे डेटा को कलेक्ट करना बहुत ज़्यादा आसान काम नहीं है। यानी ऐसा डेटा जो आपकी रिक्वायरमेंट्स के साथ एग्जैक्टली फिट होता हो, मैच करता हो, वो हासिल करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो यूजुअली कंपनीज जो है वो मुख्तलिफ जो टेलीफोन डायरेक्टरीज हैं या ऐसी कंपनीज जो लोगों के क्रेडिट कार्ड्स की जो डेटा है उसको सेल करती हैं या उनके जो मोबाइल फ़ोन से रिलेटेड डेटा है वो सेल करती हैं, तो फिर कंपनीज वहाँ से डेटा हासिल करती हैं। सैम्पलिंग डिज़ाइन प्रोसेस में जो थर्ड स्टेप है वो सैम्पलिंग टेक्निक को सिलेक्ट करना है, और फोर्थ स्टेप है सैम्पल साइज़ की जो डिटर्मिनेशन है। ये दोनों पॉइंट्स हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। स्टेप नंबर 5 इज एग्जीक्यूट द सैम्पलिंग प्रोसेस। देखें, हमने पॉपुलेशन डिफाइन कर ली, हमने जो सैम्पलिंग है वो कर ली, सैम्पलिंग का जो साइज़ है वो तय कर लिया हमने, सैम्पलिंग की टेक्निक हमने कौन सी यूज़ करनी है उसके बारे में डिसीजन हो चुका है। अब फाइनली हमने इसे इम्प्लीमेंट करना है। तो समटाइम्स ये होता है कि एक रिसर्चर होता है किसी छोटे प्रोजेक्ट में, और बाज़ दफ़ा अगर प्रोजेक्ट जो है वो बड़ा है तो उसमें पूरी एक रिसर्च टीम हो सकती है, कई मेम्बर्स हो सकते हैं। तो पहली चीज़ तो ये है कि जो सैम्पलिंग और उसकी जो एग्जीक्यूशन है उसके हवाले से सारा जो प्रोसेस है वो कंसिस्टेंट होना चाहिए, उसमें क्लैरिटी होनी चाहिए, हर किसी के पास सेम इन्फॉर्मेशन जो है वो होनी चाहिए। मिसाल के तौर पे अगर जो सैम्पलिंग यूनिट है वो एक हाउस होल्ड है तो सबको उसे डिफाइन करना पड़ेगा कि हाउस होल्ड से मुराद क्या है, और सबको एक ही डेफिनेशन उसकी पता होगी। फिर ये प्रोसीजर भी तय होने चाहिए कि अगर डेटा कलेक्शन के लिए किसी जगह पे गए और वो घर खाली था तो अब उसकी जो ट्रीटमेंट है वो किस तरीके से होगी, या अगर डेटा कलेक्शन के वक्त जिन लोगों से डेटा कलेक्ट करना था वो घर पे मौजूद नहीं थे तो जो कॉल बैक करने का मैकेनिज्म है वो क्या होगा। तो ये सारी चीज़ें पहले से तय करना पड़ेंगी। फाइनल स्टेप ऑफ प्रोसेस इज टू वैलिडेट द सैम्पल। देखिए, हमने जो भी सैम्पल ड्रॉ किया है पॉपुलेशन से, हम चाहते हैं कि जो सैम्पलिंग एरर है वो कम से कम हो। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि जो सैम्पल और पॉपुलेशन के दरमियान एक कंपैरिजन करते हैं, या दूसरे लफ्ज़ों में हम कह सकते हैं कि जो हमारी टारगेट पॉपुलेशन थी और जो हमारा सैम्पल है उसके स्ट्रक्चर्स के दरमियान एक पॉपुलेशन एक कंपैरिजन जो है वो ड्रॉ किया जाएगा। अगर इस कंपैरिजन में डिफरेंसेस आते हैं तो फिर एक वेटेड स्कीम हम अप्लाई करेंगे। अगर तो डिफरेंस नहीं आता फिर तो उसी तरह से नॉर्मली हम डेटा को यूज़ करेंगे, और अगर डिफरेंस आ जाएगा तो फिर वेटेड स्कीम अप्लाई की जाएगी। इसकी मिसाल ऐसे है कि आपने एक मेल सर्वे कंडक्ट किया
और आपके पास सैंपल भी आ गया, आपके पास जो पॉपुलेशन की करेक्टरिस्टिक्स थी विद रिस्पेक्ट टू एज स्ट्रक्चर वो भी मौजूद थी। अब नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं कि ये कंपैरिजन कैसे होगा। इस टेबल में आप देख सकते हैं, सबसे पहला जो कॉलम है इसमें एज ग्रुप्स दिखाए गए हैं, 13 टू 18 इयर्स, 19 टू 24 इयर्स, 25 टू 34 इयर्स एंड सो ऑन। और जो आखिरी ग्रुप है वो 75 इयर्स और मोर। और नेक्स्ट जो कॉलम है उसमें सैंपल की परसेंटेज दिखाई गई है, उसके बाद पॉपुलेशन की परसेंटेज है और आखिरी जो कॉलम है उसमें वेट है। ये जो पॉपुलेशन की एवरेज है हर एज ग्रुप के लिए, ये हमने उस एरिया के सेंसिस रिकॉर्ड से हासिल की है। और जो सैंपल है वो इसी पॉपुलेशन से हमने ड्रॉ किया, वहाँ से जब हमने डेटा कलेक्ट किया तो हमारे पास उस डेटा में हर एज की परसेंटेज कैलकुलेट कर ली हमने। अब यहाँ पर देखें कि 13 टू 18 ईयर्स में जो हमारे पास सैंपल आया है उसमें 4.32% आई है उसकी पॉपुलेशन, जबकि एक्चुअल जो पॉपुलेशन है वो 6.13 है। यानी अगर ये एग्जैक्ट होता तो फिर जितनी पॉपुलेशन में 13 टू 18 ईयर्स के लोग हैं उतने ही सैंपल में भी होने चाहिए थे, लेकिन एक्चुअली यहाँ पे कम है। फिर 19 टू 24 ईयर्स में अगर आप देखें तो एक्चुअल पॉपुलेशन में इनकी तादाद 7.45% है, जबकि हमारे पास जो सैंपल आया है उसमें 5.89 है। अगेन ये एक्चुअल तादाद से कम है। फिर 25 टू 34 ईयर्स में देखें तो इसमें भी एक्चुअल जो पॉपुलेशन है उससे सैंपल में इनकी जो रिप्रेजेंटेशन है वो कम है। ये जो लास्ट कॉलम में वेट आपको नज़र आ रहा है, इसकी कैलकुलेशन के लिए हम क्या करेंगे कि पॉपुलेशन की जो परसेंटेज है उसे डिवाइड कर देंगे सैंपल की परसेंटेज पे। जैसे आप पहले ग्रुप में देखें, 6.13 को जब हमने डिवाइड किया 4.32 पे तो आंसर आएगा 1.42। ये वेट बन जाएगा पहले एज ग्रुप यानी 13 टू 18 ईयर्स के लिए। इसी तरह से 19 टू 24 ईयर्स के लिए 7.45 को हम डिवाइड करेंगे 5.89 पे तो आंसर आएगा 1.26। अब ये जो वेट है जब हम इसे एज ग्रुप के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये खुद ब खुद उसको बैलेंस करता जाएगा। यानी वो जहाँ पर भी पॉपुलेशन से हमारे पास सैंपल में उस एज ग्रुप की रिप्रेजेंटेशन कम होगी वहाँ पे वेट के साथ अप्लाई करने से वो खुद ब खुद बैलेंस हो जाएगी। अगर आप 35 टू 44 ईयर्स वाले एज ग्रुप में देखें तो यहाँ पे पॉपुलेशन और सैंपल की जो परसेंटेज है ऑलमोस्ट इक्वल है, जिसका मतलब है कि इस एज ग्रुप के लोग जितने पॉपुलेशन में हैं तकरीबन उतने ही सैंपल में भी आए हैं, तो वेट सिर्फ 1.01 बन रहा है जो कि बहुत क्लोज है 1 के। अगर 1 है तो इसका मतलब है कि दोनों इक्वल हैं। फिर अगर आप देखें जो लास्ट ग्रुप है 75+ वाला, यहाँ पर सैंपल में जो परसेंटेज आई है वो 15.81 है जबकि पॉपुलेशन में 11.87 है। तो अगर हम पॉपुलेशन को सैंपल पे डिवाइड करें तो ये 0.75 का वेट बनता है जो कि 1 से लेस है। इसका मतलब है कि ओवर प्रेजेंटेशन ऑफ 75 ईयर्स और मोर एज ये हमारे सैंपल में हुई है, लेकिन जब आप इस वेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये खुद ब खुद उसको बैलेंस कर देगा। तो ये जो वेटिंग की टेक्निक है ये हमारे पॉपुलेशन और सैंपल के जो स्ट्रक्चर्स हैं उनको एक दूसरे के साथ मैच करने के लिए बहुत यूज़फुल होती है। जी, जो डिटेल्स मैंने आपको इस टेबल में बताई थी वो यहाँ पे मुख्तलिफ पॉइंट्स की शक्ल में दी गई हैं, आप इन्हें खुद पढ़ सकते हैं। अब अगर हम बात करें सैम्पलिंग टेक्निक्स की तो इसकी दो बड़ी क्लासिफिकेशंस हैं, एक नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है और दूसरी प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है। नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग आमतौर पे उस वक्त इस्तेमाल की जाती है जब हमें टोटल पॉपुलेशन साइज का पता ना हो और यूं किसी भी एलिमेंट के जो चांसेस ऑफ सिलेक्शन हैं वो कैलकुलेट ना किए जा सकें। और इस केस में आमतौर पे जो कोई भी सैंपल है उसमें सिलेक्शन रिसर्चर की अपनी जो पर्सनल जजमेंट है उसकी बेस पे होती है और वो किसी भी सैंपल यूनिट को आर्बिट्रेरीली या कॉन्शियसली समटाइम्स वो सिलेक्ट कर लेता है सैंपल में।
अब ये किसी पॉपुलेशन की जो जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनको डिफाइन करने के लिए तो ठीक हो सकती है, लेकिन इससे कोई बहुत ऑब्जेक्टिव किस्म के जो रिजल्ट्स हैं वो नहीं मिलते। एक प्रॉब्लम इसमें ये भी है कि जो सैंपल के रिजल्ट्स हैं उसको हम पूरी पॉपुलेशन पे जनरलाइज नहीं कर सकते, क्योंकि जो इसमें स्टैटिस्टिकल प्रोजेक्शंस हैं वो हम कर नहीं सकते। अच्छा, बहरहाल इसकी कुछ टाइप्स हैं, जैसे कन्वीनियंट सैम्पलिंग हम यूज़ करते हैं, जजमेंटल सैम्पलिंग है, कोटा सैम्पलिंग है और स्नोबॉल सैम्पलिंग है। इनको हम अगली स्लाइड्स में डिटेल में डिस्कस करेंगे। सेकंड क्लासिफिकेशन ऑफ सैम्पलिंग को हम प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग कहते हैं, और इस केस में हमें जो पॉपुलेशन का साइज़ है वो पता होता है, इसी तरह से हमें सैम्पल का साइज़ भी पता होता है। तो सैम्पल में मौजूद हर यूनिट के जो चांसेस ऑफ सिलेक्शन हैं या प्रोबेबिलिटी है वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। इस केस में हमें जो टारगेट मार्केट है उसको बड़ा प्रिसाइज वे में डिफाइन करना पड़ेगा, और जो हमारा सैम्पलिंग फ्रेम है वो बड़ा स्पेसिफिक होना चाहिए, जैसे कि पहले मैंने डिस्कस किया था। फिर इसमें एक फ़ायदा ये है कि जो भी सैम्पल हमारे पास आता है उसे हम वैलिडेट कर सकते हैं, क्योंकि पॉपुलेशन भी हमें पता है, सैम्पल भी पता है, दोनों की करेक्टरिस्टिक्स को हम मैच भी कर सकते हैं, जैसे हमने वेट के केस में किया था। और जो सैम्पल के रिजल्ट्स हैं उसको हम पूरी पॉपुलेशन के ऊपर जनरलाइज भी कर सकते हैं, यानी इसमें जो स्टैटिस्टिक्स की टेक्निक्स हैं उसमें मुकम्मल प्रोजेक्शन की जा सकती है। इस चार्ट में आप सैम्पलिंग टेक्निक्स और उसकी जो फैमिली है वो देख सकते हैं। नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक्स हैं जिसमें मैंने आपको बताया, कन्वीनियंट सैम्पलिंग है, जजमेंटल सैम्पलिंग है, कोटा सैम्पलिंग है और स्नोबॉल सैम्पलिंग है। इसी तरह जो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग की मुख्तलिफ टेक्निक्स हैं उसमें सिंपल रैंडम सैम्पलिंग है, सिस्टमेटिक सैम्पलिंग है, स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग है, क्लस्टर सैम्पलिंग है और इसके अलावा दूसरी टेक्निक्स भी हैं।